कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ एनएम के द्वारा घर घर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे किया जाएगा, जिसे लेकर मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी पतुल सिन्हा, बेटमा मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र सिंह चौधरी और स्वास्थ्य टीम द्वारा बेटमा के बियाणी गार्डन में और देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो भागों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं और एनएम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आप किस तरह ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं और सर्वे के अंतर्गत स्कैनिंग भी की जाएगी। कोई व्यक्ति बीमार पाया जाता है या सर्दी खांसी है और इलाज की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अगर गंभीर बीमारी है और रेफर की आवश्यकता है तो रेफर भी किया जाएगा ताकि उस व्यक्ति का सही समय पर इलाज हो सके। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। मास्क लगा के रखना है, यदि मास्क नहीं है तो आप लोगों के साथ एडवांटेज है, आप लोग कई बार जो भी कपड़े होते हैं उससे अपना फेस को कवर करती है तो फेस कवर होगा ही होगा। चश्मा अगर लगाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं है सनग्लास लगा सकती है, लगाइए। मोबाइल ऐप के माध्यम से जो पूरे क्षेत्र के घर हैं उनके डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और अब ये डोर टू डोर जाकर के मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों के सर्वे और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार होना पाया जाता है और उसको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको दवाइयाँ भी दी जाएंगी और यदि कोई रेफरल केस होगा तो उसका रेफरेंस रेफर भी किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।